थोड़ा सा किरकिरा हो सकता है सेबी ने जो कंसल्टेशन पेपर सामने रखा है, आपके फर्स्ट थॉट्स क्या हैं इस पर? हमने कई सारे जानकारों से बात की है, क्या वाकई में रिटेल दूर भागेंगे एफएनओ से अगर ये नियम बन जाते हैं? देखिए ऐसा क्या है, अगर आप सिगरेट के पैक पर लिख देंगे कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो लोग सिगरेट पीना बंद तो करते नहीं है। आप सिगरेट का प्राइस हर साल बढ़ता है, लोग सिगरेट पीना बंद करते नहीं है, ठीक है। ये एफएनओ इस समय लोगों को एक आदत है। अब इसमें क्या सही है क्या गलत है इसमें जाना थोड़ा टफ है, लेकिन देखिए सभी की अपनी डेटा पॉइंट है, सभी का भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं डेटा देख रहा था जो मेरी टीम ने प्रिपेयर किए थे, मैं इसलिए देख रहा था कि हाँ रिटेल का टर्नओवर बढ़ा है, FY18 में 63 लाख करोड़ था, अब FY24 में 117 लाख करोड़ आ गया है, लेकिन वहां से लेकर तक मार्केट भी पूरी डबल हो गई है और पूरे के पूरे स्टॉक्स डबल हो गए हैं। मुझे याद है 2003-04 में जब मैं मार्केट ट्रैक कर रहा था 5000 करोड़ को हम ज्यादा वॉल्यूम मान रहे थे, तो उससे इतना इम्पैक्ट नहीं है। हाँ आप फ्यूचर्स में देखिए, फ्यूचर्स में रिटेल 24% FY18 में था, फिर FY22 और 23 में 30% तक पहुंच गया था, तो 19% पर आ गया है, लेकिन पूरा का पूरा गेम शिफ्ट हुआ ऑप्शंस में। मेरा ये मानना है कि सभी की जो कंसर्न है ना वो ज्यादा ऑप्शंस में होनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में आप 2% से लेके 41% तक पहुंच गए हैं, और उसमें जो सबसे ज्यादा कंसर्न है वो मुझे लगता है कि वीकली ऑप्शंस को लेकर है, क्योंकि जैसा हम डिस्कस कर रहे थे रोज वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी हो रही है, उस पर मुझे भी लगता मुझे मेरा हमेशा मानना था उस पर थोड़ा लगाम कसने की जरूरत थी, लेकिन एकदम दूसरी तरफ चले जाए हम ये नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि कंसल्टेशन पेपर है, सभी इसके ऊपर विचार करेगी, इस पर सभी को भी सब कंसल्टेशन आएंगे और वो एक बीच का एक रास्ता अपनाएंगे। देखिए वो कह रहा है, एक चीज जो मुझे इसमें खराब लग रही है वो है, अगर आप अभी तो खरी इंडेक्स के ऊपर प्रपोजल है, अगर ये आगे बढ़कर स्टॉक पर भी हो गया, अगर आपने लॉट साइज को बढ़ाकर 20 से 30 लाख कर दिया ट्रस्ट में, इससे लोगों का लॉस बढ़ेगा कम नहीं होगा, उसका मैं रीजन बताता हूँ। आज की डेट में अगर लॉट साइज 30 लाख का हो जाए मान लीजिए, तो 1% तो आप किसी भी ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाएंगे, 1% पर भी 30,000 का लॉस जो रिटेल ले नहीं पाएगा, और वो अपना स्टॉप लॉस जो है ना वो मॉनेटरी स्टॉप लॉस लगा देगा, लॉजिकल स्टॉप लॉस नहीं लगा पाएगा, और उससे उल्टा उसको ज्यादा लॉस होगा। तो लॉट साइज मेरा भी मानना है कि ज्यादा करने के बजाय कम रखना चाहिए लॉट साइज। हाँ ऑप्शंस में आप थोड़े से ये सब कर दीजिए कि ऑप्शन जब आप बाय कर रहे हैं तो उसमें आप थोड़ा मार्जिन रिक्वायरमेंट रख दीजिए, भले ही जो वीकली ऑप्शन में फार आउट द मनी ऑप्शन में लोग 1-1 रुपए 1.5 रुपए में लॉटरी की तरह ले रहे हैं, उस पर अगर आप चाहें तो थोड़ा सा एक ये रखें कि ऑप्शन प्रीमियम के अलावा भी आपको थोड़ा सा एक मार्जिन देना होगा, ये अगर आप कर दें तो वो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। लेकिन इन प्रिंसिपल क्योंकि सभी के पास डेटा है कि 90-92% ट्रेडर्स यूज कर रहे हैं पैसा, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ स्टेप उनको उठाना था और इसके लिए कंसल्टेशन पेपर आया, लेकिन मेरा ये मानना है कि थोड़ा रास्ता जो है ना बीच का लेना चाहिए, एकदम ये नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल आप रिटेल को भारी कर दें ट्रेडिंग से, ये गलत होगा। जैसा रामदेव सर भी कह रहे थे जी अनुज, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक पॉइंट और इस पर हमने पहले बातचीत की हुई है, सेबी कह रहा है कि हर एक्सचेंज को सिर्फ एक ही वीकली कॉन्ट्रैक्ट अलाउ करना चाहिए, और हम सब जानते हैं एक दिन निफ्टी बैंक, एक दिन एक्सपायरी आपकी यू नो फाइनेंशियल्स की हो जाती है, मिड कैप की हो जाती है, उससे बहुत ज़्यादा एक्सपायरीज एक हफ्ते में आ रही थी, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? और ये एक पॉइंट है जो हम पहले आई थिंक 2 हफ्ते पहले डिस्कस भी कर रहे थे, अगर कुछ एक्शन आएगा इस पर आता हुआ दिखाई दे सकता है। हाँ देखिए मेरा ये मानना है कि ये सबसे सही कदम होगा, और मेरा भी मानना है कि फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंक निफ्टी के अलग अलग एक्सपायरी होने का क्या मतलब है, वो भी एक एक दिन के बाद एक अगले दिन, ये तो बिल्कुल सट्टेबाजी हो गई थी। आप ये कर सकते हैं, देखिए परफेक्ट क्या रहेगा मेरे हिसाब से, मेरा व्यू है, बाकी खैर मैं भी अपना सजेशन भेज दूंगा, मेरा व्यू ये है कि एक हफ्ते निफ्टी की वीकली एक्सपायरी हो, अगले हफ्ते बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी हो, इससे होगा क्या, महीने में निफ्टी की 2 एक्सपायरी होंगी, एक मंथ वीकली और एक मंथली, और महीने में 2 बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होंगी, एक वीकली एक मंथली, जिस हफ्ते में 5 हफ्ते आते हैं ऑब्वियसली उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन ये लोगों को एक परफेक्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देगा। अभी क्या हो गया वीकली ऑप्शन में, फ्रैंकली वीकली ऑप्शन पूरा सट्टेबाजी हो गया, वीकली ऑप्शन में आजकल आपको कोई दिमाग मतलब कोई ये नहीं लगाते आपकी मार्केट किस तरीके से जा रहा है, ओवरनाइट पोजिशन क्या रखनी है, क्या रिस्क लेना है आपको, क्या हेज करना है आपको। ऑप्शन जब आए थे तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हेज करने का था, आजकल हेजिंग तो ऑप्शन से हो ही नहीं रही है, 99.99% ऑप्शन तो डायरेक्शन ट्रेड के लिए ले जा रहे हैं, और उसमें भी लोग कर क्या रहे हैं, अगर 21,000 का निफ्टी है तो सीधे 21,300 की कॉल ले ली उसी दिन की 1 रुपए की, ये सोचते हैं 1 रुपए की 10 रुपए हो गई तो मैं निकल जाऊंगा, और वो जो सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है ना वो इसी वजह से हो रहा है, जो 1-1 रुपए के ऑप्शन अब उस समय 1 रुपए लगता है, अगर आप अपना लेजर देखेंगे ना पूरे साल के एंड में आप उसमें बहुत पैसा गंवा देते हैं, तो ये मुझे लग रहा है कि
शायद एक तरीका हो सकता है अगर आप वीकली ऑफेंस एक्सपायरी को रिस्ट्रिक्ट करें। मेरा ये मानना है कि एक रोज के रोज वीकली एक्सपायरी और मंडे को दो वीकली एक्सपायरी होती है, एक बीएससी की एक एनएससी की, वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा कम करने की जरूरत है। और जैसा कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर रहा था, जो आजकल वीकली एक्सपायरी से मूव आ रहे हैं, आप आई थिंक कल या परसों मेरे ख्याल से एक ट्रेंडिंग मार्केट में एकदम 3 बजे कल ही हुआ था शायद, मार्केट एकदम से गिर गया। वो क्यों हुआ? वो ये सब वीकली एक्सपायरी की वजह से हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा शायद कम करने की जरूरत है, उस पर मैं सहमत हूँ। अनुज, इम्पैक्ट सबसे ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर पे अगर 30 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो एक कॉल सेल करने में भी करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 6 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हो गया मार्जिन। हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर्स पे इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा इसमें, जो जो क्लास स्पेशली पोस्ट कोविड जिसका जन्म हुआ था। देखिए वीरू, मेरे ख्याल से उसने इतना पैसा बना लिया है और वो एक चीज तो समझ गया, वो एल्गो के हिसाब से अप्रोच कर रहा है मार्केट को, उसके लिए आप चाहे मार्जिन 10 लाख कर दीजिए, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क यहाँ पूरा का पूरा रिटेल को पड़ने वाला है, मैं बार बार कह रहा हूँ, फर्क यहाँ पूरा का पूरा रिटेल को पड़ने वाला है। अगर आपने लॉट साइज बढ़ा दिया तो रिटेल एक तरीके से मार्केट से बाहर हो जाएगा, क्योंकि वो उतना स्टॉप लॉस रख ही नहीं पाएगा ना फिर। अब आप देखिए, आपने खुद कहा कि 6 लाख के करीब तो मार्जिन हो जाएगा, ठीक है, 1% भी अगर मूव आ गया इंडेक्स में या स्टॉक में तो सीधा आपका MTM दिखाएगा 30,000, कहाँ से कोई रिटेल उतना वो लॉस रखेगा। और मुझे लग रहा है कि उसमें जिस तरीके से चर्चा लग गया, कहीं लोग उधार लेकर ना ट्रेड करना शुरू कर दें, ये मुझे ऐसा और ज्यादा दिखता है।